नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल एडिशन में। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली, निजाम बदला, लेकिन नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदला। पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं की दादागिरी सामने आती थी, अब बीजेपी नेताओं की आ रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गई, लेकिन सूबे की कानून व्यवस्था में कोई बदलाव होता नहीं दिखा। खासकर नेता पहले भी बेलगाम थे और आज भी योगी राज में नेता बेलगाम है। बीजेपी नेता पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। साथ ही ये भी सच है कि तमाम मुश्किलों के साथ पुलिस के लिए मुश्किलों का सबब सत्ता की हनक अक्सर बनती रही है। शायद सत्ता के नशे में मदमस्त होना राजनीति की रवायत बन चुकी है, और इसलिए नई सरकार बनने के बाद से तकरीबन लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, जो बता रही हैं कि पुलिस को लेकर नेताओं को भी अपनी सोच तुरंत बदलने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। पुलिस का नाम आते ही बस एक ही बात जुबान से निकलती है, घूसखोर पुलिस या फिर दागदार वर्दी। लेकिन क्या पुलिस के काम को लेकर हमारे मन में कोई सवाल उठता है? कभी ये हम सोचते हैं कि आखिर किन हालातों में हमारे पुलिस कर्मी काम करते हैं? एक तरफ जहां पुलिस वालों को सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं मिला है, तो वहीं अक्सर सत्ता के नशे में चूर नेताओं के निशाने पर भी आ जाते हैं। बीते 48 घंटे में मथुरा से लेकर शाहजहांपुर तक पुलिस सत्ता की हनक का शिकार हुई है। आगरा में पुलिस कर्मियों के सामने उस समय हंगामा होने लगा जब कुछ हिंदूवादी संगठन अपने कार्यकर्ता पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग करने लगे और पुलिस से भिड़ गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। प्रदर्शनकारियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने कुछ पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। ये लोग अपने कुछ कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और कुछ पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग कर रहे थे। यूपी में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सत्ता का नशा चढ़ने लगा है। इसका ताजा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब मथुरा में एक एसएसपी की कार्यशैली से बीजेपी नेता कुंवर निषाद नाराज हो गए। नेताजी एक पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट के मामले में एसएसपी से बात करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनका पारा इतना बढ़ गया कि वे एसएसपी से ही उलझ गए और जमकर अभद्रता कर डाली। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि जिस मामले को लेकर बीजेपी नेता शिकायत करने पहुंचे थे, उस मामले में एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले ही आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया था। लेकिन एसएसपी का ये कदम बीजेपी नेता को नाकाफी लगा और उन्होंने सत्ता के नशे में मदमस्त होकर बदसलूकी कर डाली। यूपी के शाहजहांपुर में एक बीजेपी नेता की करतूत सामने आई है। बीजेपी नेता मनोज कश्यप अपनी ही सरकार की पुलिस को थाने में चूड़ियां पहनाने पहुंच गए। बीजेपी नेता ने थाने के कोतवाल को चूड़ियां पहनाने की कोशिश की। इससे पहले भी बीजेपी नेता का कोतवाल को जान से मारने की धमकी वाला वीडियो पहले ही सुर्खियों में रहा है। फिलहाल मामला सत्ताधारी नेता से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सरकार जरूर बदली उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो तौर तरीके हैं नेताओं के वो बदलते नहीं दिखे। ये तस्वीरें आपको दिखाई, मथुरा से लेकर शाहजहांपुर तक की तस्वीर आपको दिखाई, जहां पर कि पुलिस वालों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। पहले आपको काफी तस्वीरें एपी ने दिखाई हैं, जिसमें कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई है, जहां पर कि हनक जो पुलिस वालों की है वो सर पुलिस वालों के ऊपर सत्ता की वो सर चढ़कर लगातार बोल रही है। आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि निजाम के बदलने के बावजूद भी परिस्थितियां चेंज नहीं होती हैं? जो कानून व्यवस्था का हवाला देकर मौजूदा सरकार आई है सत्ता में, जनता ने समर्थन आपको दिया है, उसके बावजूद भी पुलिस वालों पर, जिन पर की विश्वास लोग करते हैं, जिनके ऊपर दारोमदार है लोगों की सुरक्षा का, उन्हीं पर हनक जताई जाती है, उन्हीं के ऊपर सवाल निशान लगाए जाते हैं, उनसे बदतमीजी की जाती है। आखिरकार क्यों, जब सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात की गई है, अगर मुख्यमंत्री की तरफ से साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं राजनेताओं को, अपने विधायकों को, कि आप सत्ता में दखल ना दें, पुलिस वालों के ऊपर दखल ना दें, उसके बावजूद भी क्यों उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा? कुछ खास मेहमान तो जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ रत्नमणि लाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र भारद्वाज हैं, कांग्रेस नेता, और अमिताभ ठाकुर, आईजी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत रत्नमणि लाल जी, मैं आपसे करूंगा कि मौजूदा सरकार जब प्रदेश में आई थी, सवाल
लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर ही उठाया जा रहा था कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसी शैली सामने आना, क्या हम समझे कि जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे वो झूठे थे, या फिर जो यहाँ पर आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं उनके निर्देशों की कोई परवाह लोगों को नहीं? देखिए, वादे झूठे थे ये तो अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वादे तो बड़े एक जनरल तरीके से किए जाते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, उनको बंद कर देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात जो दिख रही है पिछले एक महीने से कि जैसे जैसे एक माहौल ये बनता जा रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती से स्थापित हो गई है और अलग अलग क्षेत्रों के लोग मंत्री बन गए हैं, वहाँ के विधायक और वहाँ के जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं उनके अपने अपने क्षेत्रों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी हनक बन गई है, तो जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उन तक ये संदेश चला गया है किसी न किसी तरह से कि अब उनका समय आ गया, उनका टाइम आ गया, अब वो जो चाहे वो करें। क्योंकि जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में पिछले इतने सालों से बना हुआ था, पिछले 10-15-20 सालों से जी, कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर के नेता तो छोड़ दीजिए, जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि उनको लगता है कि अब पुलिस प्रशासन अधिकारी वो उनके सामने कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सरकार है। और ये पिछले 2-3 पार्टियों के सरकारों में चूंकि देखा जा चुका है जी, इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी जो नीचे के लेवल के नेता हैं उनको ये लग रहा है कि वो जो कुछ भी करें पुलिस और अधिकारी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ही उदाहरण पिछले 2 दशकों में सामने आ चुका है। सर, अमिताभ ठाकुर हमारे साथ बने हुए, उनसे जानेंगे बेहतर परिस्थिति इस चीज के। अमिताभ जी, आखिरकार कैसे संभव हो पाता है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, बेहतर पदों पर हैं, उनके साथ नेता बदतमीजी कर पाते हैं? देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कुछ चीजें होती हैं जिनमें कठोरता की आवश्यकता होती है, कुछ चीजें होती हैं जिनको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का की आवश्यकता होती है जी। मैं अपने उदाहरण से जानता हूं, मैं अन्य उन अफसरों के उदाहरण से जानता हूं जिनको आज आप मिसाल के रूप में देखते हैं जी, आप कहते हैं, तो उन सबों को का यह मूल सिद्धांत रहा कि ऐसे प्रकरणों में जहां दृढ़ता की जरूरत है, जहां सख्ती की जरूरत है, जहां उदाहरण बनाए जाने की जरूरत है, उन स्थानों पर उन्हें खड़ा होने की जरूरत होनी चाहिए, उन स्थानों पे जो सही कार्रवाई हो करने की जरूरत होनी चाहिए। मेरा यह मानना है, यह मेरा निजी मत है, मेरा निजी विचार है कि बहुत सारे अफसर अपनी बचत के लिए, अपने लिए, अपने कुर्सी न चली जाए उसके लिए ऐसे अवसरों पर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जो कानून सम्यक है, जो उचित है, यह उनका दायित्व है। दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं वो उनका कार्य है, उनका उनकी समस्या है जी। लेकिन जो पुलिस के अफसर हैं उन्हें अपना दायित्व का पूर्ण निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि अंततो गत्वा कार्य उन्हीं को करना है। जैसे एसएसपी सहारनपुर का प्रकरण हुआ, हमारे आईपीएस एसोसिएशन में इसकी बड़ी चर्चा हुई, मैंने भी अपनी बात रखी। मेरा अंत में यही मानना है कि किसी भी ऐसे प्रकरण में अंततो गत्वा पुलिस अफसर ही तो एक्शन करना है। यदि एक्शन नहीं कर रहा है, जो विधि कहता है, जो कानून कहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी गलती देखे जाने की जरूरत है। और यह भी माने जाने की जरूरत है कि वो हटो बचो की नीति पर चल रहा है, जो उचित नहीं है। ठीक है, मैंने हाल में सुना हमारे डीजीपी साहब ने, डीजीपी साहब ने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति का गलत जवाब अनुचित कृत्य बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे लगता है इस बात को अफसरों को समझना चाहिए, जो फील्ड के अफसर है उसके अनुसार पालन करना चाहिए। कोई स्थिति नहीं लानी चाहिए जिसमें किसी को भी ये कहने का अवसर मिले कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर ढिलाई की या दो तरह का व्यवहार और आचरण किया। ठीक है सर, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। गणेंद्र भारद्वाज, समाजवादी पार्टी का जब कार्यकाल था तब भी हम लोग यही चीज देखते थे, अब बीजेपी आई तभी भी यही चीज देख रहे हैं, अंतर क्या हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी है। अगर व्यवस्था ठीक होती तो इस तरीके की वारदातें सामने नहीं आती। जिस तरीके से योगी साहब ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने साफ साफ बोला था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म होगा, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेह होगी, लेकिन ऐसी कोई भी चीज अभी तक नजर नहीं आ रही। क्योंकि जो कानून को तोड़ने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं। यही इल्जाम समाजवादी पार्टी पे लगाया जाता, यही बीएसपी पे लगाया जाता, आज भाजपा की सरकार आने के बाद भी इस तरीके का हो रहा है। और कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं कर रहे। सहारनपुर में जिस तरीके से भाजपा सांसद है जो राघव लखनपाल, उन्होंने जिस तरीके से मोब को वहां पे थाने में भेजा, जिस तरीके से एसएसपी ऑफिस पे अटैक किया गया, जिस तरीके से थाने पे अटैक किया गया,
एक बगैर परमिशन का एक तो आप जलूस निकाल रहे हो और जब पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देख के आपके जलूस को रोकते हो तो आप मोब को भड़का के पुलिस पे अटैक करवाते हो। जब भाजपा के सांसद जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जब वो इस तरीके की हरकतें करेंगे तो नीचे के कार्यकर्ताओं को शह मिलती है। हमारा ये मानना है कि आपकी सरकार आई है, आपने लोगों से वायदे करे थे, आप लोगों का काम कीजिए, आप लोगों की डेवलपमेंट की बात कीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है, लॉ एंड ऑर्डर जब तक सही नहीं होगा जब तक आप अधिकारियों को खुला हाथ नहीं देंगे, जब तक आप अधिकारियों को नहीं बोलोगे कि चाहे हमारा बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जो आदमी कानून को हाथ में लेगा उसमें। लाल जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों सवाल उठाए जाते हैं। पहला सवाल उठाया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर तभी होगा, जैसा कि गहन जी ने कहा यहाँ पर, कि अगर अधिकारियों को फ्री हैंड दिया जाएगा, अधिकारी फ्री हैंड से काम करते हैं तो फिर नेता वहां पर पहुंच जाते हैं उनको धमकाने के लिए, उनकी वर्दी नोचने के लिए, तो फिर काम कैसे हो पाएगा? जी जी बिल्कुल, मुझे याद पड़ता है कि पिछले सरकार में भी तमाम सारे ऐसे अधिकारी थे जो कि फ्री हैंड से अपना काम करने की कोशिश करते थे और कई जिलों से ऐसे उदाहरण मुझे याद पड़ते हैं, मुरादाबाद में है, बरेली में है, मथुरा में है, जहाँ पे अधिकारियों ने अपनी इच्छा से और जैसा कि रिक्वायर्ड था वैसा काम किया, लेकिन वैसा करने के बाद या तो उनका तबादला हो गया या उनको पनिशमेंट मिला या फिर उनको तमाम तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ी, यहाँ तक कि लोगों ने थाने पे अटैक करके उनके साथ मारपीट भी की। देखिए, यहाँ पे बात अधिकारियों तक हम सीमित नहीं कर सकते। जो सच बात है वो ये है कि किसी भी पार्टी के जो नीचे के स्तर के कार्यकर्ता हैं वो हमेशा पावर में आने के बाद ये महसूस करते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि चाहे पार्टी कोई भी पावर में आए, अधिकारी तो वही रहते हैं ना। पिछली सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार का ओथ टेकिंग हो रही थी तो हमें याद है किस तरह से कार्यकर्ता अति उत्साहित होकर मंच पर चढ़ गए थे, तो ये सिग्नल गया था कि कार्यकर्ता जो है वो पार्टी की लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं है। इस बार क्या हो रहा है कि हर जिले में किसी न किसी बहाने से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो संगठन है उनसे जुड़े हुए लोग, कभी गाय के नाम पे, कभी रोमियो के नाम पे, कभी किसी को छुड़वाने के नाम पे, वही सब हरकतें कर रहे हैं। और उनको ये बात सही है कि उनको शह जो है वो जिले के या उसके ऊपर के जो स्तर के नेता है उनसे मिलती है, लेकिन जिस तरह के बयान मुख्यमंत्री ने दिए हैं और नए वाले डीजीपी सुलखान सिंह साहब ने दिए हैं उससे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये सरकार अपनी छवि बनाने के लिए और अपने जो वादे किए हैं उन पे खड़ा उतरने के लिए कुछ न कुछ कड़ा एक्शन ले। ठीक है, अमिताभ ठाकुर साहब आपके पास मैं आता हूँ। यहाँ पर जो मथुरा में हुआ, जो शाहजहांपुर में हुआ, जो मेरठ में हम लोगों ने देखा, जो बरेली में हम लोगों ने देखा, क्या इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी होती है कि जो आला कमान के जो नेता होते हैं उनकी तरफ से जो निचले जो कार्यकर्ता होते हैं उनको छूट दे दी जाती है कि भाई अब सरकार तुम्हारी पार्टी की है, अब जो चाहे करो, इसलिए हिम्मत हो पाती है पुलिस का बदतमीजी करने की? देखिए, मैं इस प्रश्न को दूसरी तरह से लूंगा। मेरे दो साथियों ने अपनी अपनी बात कही, उन्होंने राजनीतिक पार्टी के कर्तव्यों और दायित्वों की बात कही जी। मैं कहूंगा कि मैं पुलिस में काम भी करता हूं, एक जागरूक नागरिक रूप में मैं देखता हूं कि हमारा फोकस, मेरा फोकस कम से कम मैं अपने डिपार्टमेंट की मान रहा हूं। इसी स्थितियां हम में से हर व्यक्ति ने झेली हैं। अगर आपको याद हो मुलायम सिंह जी की जो धमकी वाली जो वीडियो ऑडियो आई थी उसमें एक शब्द उन्होंने जसराना प्रयोग किया था। जसराना में उस समय एमएलए थे जो मुलायम सिंह जी के समधी कहे जाते थे, वो रूलिंग पार्टी के एमएलए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ समधी थे। उन्होंने फोन से मुझे कहा था FIR दर्ज न हो। मैंने FIR दर्ज कराया और उसके बाद मेरा तत्काल तबादला हो गया। मैं इस बात को अपनी कोई प्रशंसा में नहीं कह रहा हूँ, मैं मात्र ये कह रहा हूँ कि कानून का जो कार्य है वो कानून से ही होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी के कहने न कहने से नहीं होना चाहिए, न होता है। समस्या ये फंस जाती है, मैं बार बार इंसिस्ट करूंगा कि वह अफसर जो अपने जो 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 जिसको हमारे यहाँ बिहार में मीठ मुरमुर कहते हैं, यानी कि चित भी और पट भी, आप दोनों चाह रहे हो तब समस्या है। आप चाह रहे हैं कि मैं कार्रवाई न कहूं, ऊपर से कार्रवाई का अवसर मिले ताकि मैं बचा रहूं। मेरा यह मानना है कि मूल समस्या उस जगह पर है जब ऊपर से सभी लोगों ने कह दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए, सम्यक और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और दलगत जातिगत धर्मगत आधार पर किसी प्रकार। अमिताभ ठाकुर जी, प्रशासन की जो भी कार्रवाई रहती है नजदीकी से आपने देखा है उसको, शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से आप समन्वय क्या होता है ये भी आपने देखा है, क्या ये संभव है कि अगर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव बनाया जाए तो उस दबाव के नीचे के अधिकारी काम कर पाए सही तरीके से? हेलो सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैं अमिताभ बोल रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी
सर आप ही से मेरा सवाल है कि क्या यह संभव है कि अगर राजनीतिक प्रेशर एक अधिकारी के ऊपर बनाया जाता है तो अधिकारी स्वच्छंद रूप से काम कर पाए, सही तरीके से काम कर पाएगा अपना? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर राजनीतिक प्रेशर बनाया जाता है तो कार्य पर प्रभाव पड़ता है जी, लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि राजनीतिक प्रेशर जैसे वो उसी प्रकार का है कि यदि हम लोग, मैं यहाँ पर हूँ आप वहाँ है, तो हमारे चारों तरफ हवा है, हवा से हम को समाप्त नहीं कर सकते हैं जी। राजनीतिक प्रेशर एक हकीकत है, लेकिन सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट अपनी जगह पे है जी। मेरा बहुत फर्म बिलीफ है कि हम उसको एक बहानेबाजी के रूप में नहीं ले सकते कि राजनीतिक प्रेशर है तो मेरे हाथ बंद गए हैं। मैं इस धारणा को सही नहीं मानता, और मैं यह भी मानता हूं कि यदि आपको उससे कुछ कष्ट हो सकता है तो आप झेलने को तैयार रहें। राजनीतिक प्रेशर को एक बहाने के रूप में, एक टूल के रूप में इस्तेमाल करके आप कार्रवाई करने से न बचे, न हिचके। यह मेरा रतन लाल जी, जैसा कि कहा अमिताभ ठाकुर साहब ने कि भाई राजनीतिक प्रेशर तो एक नीति है, तो क्या मान लिया जाए कि राजनीति का जो पूरा तबका है वो सुधरने वाला नहीं है? जिसकी भी सत्ता आएगी वही हनक दिखाएगा। देखिए, राजनीतिक प्रेशर एक हकीकत है, ये तो वो भी मान रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को फेस किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो सच है कि जो अधिकारी आज अपना काम कर रहे हैं उनको काम करने से रोकने के लिए अगर कोई भीड़ थाने में घुस आती है तो उस अधिकारी को क्या करना चाहिए? क्या वो अधिकारी गोली चलवा दें? क्या वो उन सबको उठा के बंद कर दें या लाठीचार्ज कर दें? यहाँ पे इस तरह के जो अनरूली एलिमेंट्स हैं, जो दबंगई दिखा रहे हैं, जो थाने पे या पुलिस अधिकारियों पे बिना बात के अनावश्यक रूप से हमले कर रहे हैं या उनके साथ भिड़ रहे हैं, उन पर रोक लगाने का काम तो राजनीतिक पार्टी को ही करना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि उस पर रोक अगर लगती है तो पुलिस के अधिकारियों का काम ही और आसान होगा। पुलिस के अधिकारियों के बिना बात के कन्फ्रंटेशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक अलग तरीके का उदाहरण पेश करना है तो उन्हें कम से कम इसकी शुरुआत अपने कार्यकर्ताओं से करनी चाहिए। अधिकारी अगर इसके बाद भी अपना काम ना करें तो उनका तबादला किया जा सकता है या उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, इस वक्त सर आरडी से यज्ञदूत शुक्ल हमको जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका चर्चा के दौरान। सवाल सिर्फ हमारा ये है कि जो लगातार हम लोग पिछली सरकार के दौरान देखते आ रहे थे कि नेता जो हैं वो पुलिस वालों के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, वही चीज अब फिर हम देख रहे हैं, तो बदलाव क्या हुआ? सिर्फ निजाम का नाम बदला है, बाकी तौर तरीके तो वैसे ही नजर आ रहे हैं हम लोगों को। अभी तो इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये डेढ़ महीने का टाइम अभी कुल हुआ है जी। और सहारनपुर, दिल्ली में एयरफोर्स का आदमी मारा गया, आगरा में जो कुछ स्थिति हो रही है, बरेली में जो हो रहा है, शाहजहाँपुर में हो रहा है, ये तो शुरुआत है। अभी इन्होंने तो शुरुआत कर दी है 19 के लिए कि इनको सांप्रदायिक रूप में इस प्रदेश को, देश को बांटना है जी। हिंदू मुसलमान की बात शुरू कर दी इन्होंने, राम मंदिर की बात शुरू कर दी। अभी तक राम मंदिर नहीं आता था, अब राम मंदिर याद आने लगा। गौ की बात है, गौ के नाम पर राजस्थान में क्या हुआ ये सबको मालूम है। तो अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं ये, आगे देखिए क्या क्या करते हैं। ठीक है गणेंद्र जी, आखिरकार जब बेलगाम पार्टी कार्यकर्ता हो जाते हैं तो फिर उन पर लगाम कैसे लगाई जाती है? देखिए निश्चित तौर पर लगाम लगाने के लिए इनके नेताओं को ही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल शुक्ला जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए निश्चित तौर पर जो लोग कानून तोड़ते हैं उनका एक ही इलाज है, डंडा पुलिस का। पुलिस को उन पे डंडे मारने चाहिए, एफआईआर रजिस्टर्ड करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। और बिल्कुल पारदर्शिता से अगर वो रूलिंग पार्टी का भी कार्यकर्ता है, और मैं तो कह रहा हूँ जो राघव लखनपाल है उसके एफआईआर हो गई है, एसएसपी सहारनपुर को उसको अरेस्ट करके उसको कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। अगर राघव लखनपाल अगर अरेस्ट करके आप कोर्ट के सामने पेश करोगे तो ये उत्तर प्रदेश में एक नजीर बनेगी। उत्तर प्रदेश में जो दूसरे लोग हैं जो सत्ता के नशे में चूर होकर कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक कड़ा संदेश जाएगा। और मैं तो खुद कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री साहब को इस घटना में आगे आना चाहिए, और मुख्यमंत्री साहब को, डीजीपी साहब को बोलना चाहिए कि चाहे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी दल का राजनीतिक कार्यकर्ता हो, अगर पुलिस के काम में जो भी इंटरफेयर करेगा उसके एक ही सजा है कि उसको एफआईआर रजिस्टर्ड करके उसको जेल भेजा जाए। क्योंकि होता क्या है, पिछली सरकारों में भी ये हुआ है, भाजपा की सरकार आई, योगी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है, मोदी जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है। हम तो चाहते हैं, हमारा भाजपा के लोगों से हमारा ये आग्रह है कि आप आयो, आपने बहुत बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का था, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो। अमिताभ ठाकुर जी बैठे हैं, उन्होंने देखा हुआ है कि किस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण किस तरीके से कानून कई बार लाचार हो जाता है, कई बार पुलिस अफसर लाचार हो जाते हैं। लेकिन अब नई सरकार आई, नई सरकार की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, और कानून तोड़ने वाला चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, जो कानून तोड़ेगा उसकी एक ही सजा है, वो है जेल। जिस बेचार की बात गणेंद्र भारद्वाज अभी कर रहे हैं, अमूमन पुलिस वाले इस चीज को झेलते हैं, इस चीज को लेकर तमाम मुश्किल हालात उनके सामने होते हैं, ऊपर से ये दबाव और बन जाता है। इससे ऊपर उठने का तरीका क्या है, अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखा जाए तो कैसे राजनीतिक दबाव को लोग हटा पाते हैं? अमिताभ जी, जी देखिए, मेरा यह मानना है, मैं पुनः अपनी वही बात कहूंगा कि राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव था। ये स्थितियां, जैसे मेरी अब करीब 25 वर्ष की नौकरी हो गई, हमने विभिन्न अवधियों में विभिन्न समयों में देखा, जो दूसरे का काम है, इसमें दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं, एक तरफ पुलिस के अफसर हैं, एक तरफ बाह्य व्यवस्था है। मैं पुलिस के अफसरों की बात करूंगा तो चारों तरफ दबाव है, होता है, उनकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, वो अपनी जगह हैं। मेरे लिए, यदि मैं एक पुलिस अफसर हूँ, मेरे लिए कानून है, मेरे लिए संविधान है, मेरे लिए अपनी एक व्यवस्था है, इतना बड़ा तंत्र मुझे भी है, मुझे यानी हर पुलिस अफसर को। यदि हर पुलिस अफसर मात्र अपने उस तंत्र पर ध्यान दे, अपनी उस व्यवस्था पर ध्यान दे, और थोड़ा सा इस बात के लिए तैयार रहे कि उसका सुख दुख झेल लेगा, उसके जो लोभ लालच है उससे कुछ परे हो जाएगा, तो मेरी समझ में, मेरी निगाह में कहीं से कोई दिक्कत है ही नहीं जी। मेरा बहुत ही कि जो राजनीतिक दबाव है ये सच है, ये बदलने वाला नहीं है, और दूसरा इसके खिलाफ जो खड़ा होना है तो आप इसके साइड इफेक्ट झेलने के लिए पुलिस वाले तैयार रहें। जी निश्चित रूप से, सल्ला लबाब में मैं यही बात कह रहा हूँ। ठीक है रत्नमणि लाल जी, अगर यही सच है तो फिर जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, उन तमाम चीजों का क्या होगा जो वादे किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं, उन तमाम चीजों का औचित्य फिर क्या है? देखिए मैं फिर कहूँगा कि अधिकारियों का जो एक अप्रोच है या उनका जो रिस्पांस है वो तो यही होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी और सीआरपीसी है और वो भी एक सच्चाई है और उनको उसी के दायरे में काम करना है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अधिकारियों को कानून का पालन करते हुए ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो लोग खराब कर रहे हैं उसके लिए अगर अधिकारी जिम्मेदार है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह पे कोई दंगा हो रहा है या किसी जगह पे पुलिस को खदेड़ के मारा जा रहा है और उसके पीछे किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनको उकसा रहे हैं या उनको बढ़ावा दे रहे हैं या इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में अधिकारी तो अपने कानून के दायरे में रह के काम करेगा, लेकिन इधर से जो लोग ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी तो उनके पीछे की जो पार्टी है, अगर वो आइडेंटिफाइड पार्टी के लोग हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है, क्योंकि ये कोई वन साइडेड अफेयर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी तो उकसाती रहे और भड़काऊ बातें करती रहे और अफसर जो है वो कानून के दायरे में काम करते रहे। ऐसे किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो कभी नहीं सुधर पाएगी। राजनीतिक दलों को ये दायित्व तो संभलना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के दौरान चूंकि राजनीतिक पार्टी द्वारा इस तरह का दायित्व तो नहीं समझा गया था, तो लोगों ने इस बात को समझा और चुनाव के नतीजे में यह बात सामने आई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा क्योंकि लोगों ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तेजी से उत्तर प्रदेश के शहरों में, गांव में, कस्बों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसको जितनी जल्दी हो सके कड़ाई से संभालें, नहीं तो लोगों का न केवल विश्वास उठेगा बल्कि लोग ये कहेंगे कि इस पार्टी में और पुरानी पार्टी में तो कोई अंतर ही नहीं है। और तब जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं उन सब बातों को लोग फिर सीरियसली बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ पर जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए ना। अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि भाई जो पुलिस वाले हैं उनके पास पूरे अधिकार हैं, अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाते। उधर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हमारे नेता पुलिस के किसी भी कामकाज में दखल नहीं देंगे, लेकिन वो भी तमाम चीजें होती नजर आती हैं, तो फिर जवाबदेह कौन होता है इस चीज के लिए, किसको पकड़ा जाए? देखिए जवाबदेह तो वही लोग होंगे ना जो इस तरह के लोगों को उकसा रहे हैं। जो आप अगर पिछले ये सारी घटनाओं को ध्यान से देखें
तो एक या दो लोग तो बैठ के इस तरह के काम करते हैं, चाहे वो भड़का रहे हैं चाहे वो भिड़ रहे हैं, और बाकी भीड़ उनके उकसावे में आके और वो उपद्रव करती है। तो हर इस तरह के उपद्रव में या प्रोटेस्ट में एक ही दो लोग होते हैं जिनको अगर आप कड़ाई से उनके साथ पेश आए तो बाकी सारी भीड़ ठंडी हो जाती है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए जिले के अधिकारियों को कि जो भी ट्रबल क्रिएट कर रहा है, जो भी ट्रबल मेकर है, उसको पकड़ के और उसको बिल्कुल ठीक है सर, किस तरीके की चीजें, सहारनपुर के सांसद को गिरफ्तार तो किया नहीं जी। बिल्कुल शुक्ला जी, सर किस तरीके की चीजें और सामने आ रही हैं, कैसे पुलिस वालों के साथ बदसुलूकी की जाती है, उसकी कुछ नजीर, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। उन तस्वीरों को देखने के बाद सर वापस हम चर्चा पर लौटेंगे, उन तस्वीरों की ऊपर उनका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या उनसे समझा जाए, ये मैं समझने की कोशिश करेंगे। पहले थाने का घेराव किया गया, उसके बाद जमाओं ने मिलकर हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की, इसी को देखते हुए सभी लोग वहाँ पर व्यवस्था थे, सभी लोग वहाँ से लगाए गए। पिछली सरकार का जो रवैया है वो अभी तक गया नहीं, इस संबंध में मैं पार्टी संगठन के लोगों से बहुत जल्द जाके बात करने वाला हूँ। ये चीजें आपने देखी हैं, यगदत शुक्ली जी आपके पास मैं आऊंगा कि जब जो खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं वो कहते हैं कि भाई नेताओं को अपनी हद में रहना होगा, नेताओं को जनता की सेवा करनी होगी, नेता बन के नहीं जनसेवक बनकर काम करना होगा, जनसेवक फिर ऐसी चीजें करते हैं कि किसी अगर नेता का बेटा हूटर बजाता हुआ वहां से जाता है, पुलिस वाले उसको रोकता है तो भीड़ आकर फिर उनकी वर्दी पर हमला करती है, वर्दी नोचने की कोशिश की जाती है, युवक को गिरफ्तार करके, मेरठ की घटना सर यह है, युवक को गिरफ्तार करके थाने लिया जाता है, भीड़ वहां पहुंचती है, थाने से युवक को छुड़ा लिया जाता है, अब पुलिस वाले फिर क्या करेंगे? इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी, कार्रवाई तो कोई हो नहीं रही है, कहीं पर कोई कार्रवाई हुई हो तो बता दिया कोई जी। सहारनपुर में गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, आगरा में क्या हुआ कोई कार्रवाई नहीं हुई, शाहजहांपुर में क्या हुआ, दिल्ली में एयरफोर्स का अफसर मारा गया वहां क्या हुआ, ये तो प्लान्ड वे में सब काम चल रहा है इनका 19 के लिए जी। ठीक है, कार्रवाई नहीं होगी तो यही होगा रिजल्ट। ठीक है रत्नमणि लाल जी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अब आम आदमी फिर क्या करे कि जिनको भरोसा करके हम लाए थे वो भी सब ऐसी चीजों में लिप्त हैं? देखिए ये तो एक कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में, मैं वही बात फिर से कहूंगा कि चूंकि मुख्यमंत्री भी इस बारे में बड़ी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो अपनी ही पार्टी के नेता क्यों ना हो, उनको भी कानून का पालन करना होगा, और जो हमारे नए डीजीपी सुल्खान सिंह साहब आए हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि गुंडागर्दी वो बिल्कुल बंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है और इसको देखना पड़ेगा कि क्या आगे आने वाले एक दो तीन दिनों में जिस तरह के उपद्रव पिछले चार पांच जगहों में हुए हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, वहाँ पर तुरंत कुछ कड़ी कार्रवाई करके और वहाँ पर जो लोग आइडेंटिफाइड हैं कि जिन्होंने बदसलूकी की, या मैं कहता हूँ कि किसी को गिरफ्तार करने में ही कोई अगर गड़बड़ी पाई गई है तो ऐसी चीज़ों को तुरंत सामने लाके और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए लोगों में आक्रोश इसी बात से बढ़ता है, या तो पुलिस की तरफ से गलत कार्रवाई होती है या पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है, और ये दोनों ही स्थितियां किसी भी राजनीतिक दल के लिए, खासतौर पर अगर वो सत्ता में है उसके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए और आज के प्रशासन के लिए ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ क्रिटिकल पॉइंट है कि उनको तुरंत ही इस स्थिति को संभालने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। ठीक है गिरीन भारद्वाज जी आपके पास मांगो कि विपक्षी दल के तौर पर क्या इस बात को कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा कि भाई ऐसे जो लोग सामने आ रहे हैं चाहे वो किसी के भी दल के हों, और खास तौर पर बात गंभीर हो जाती है जब वो सत्तारूढ़ दल के होते हैं, तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए? देखिए इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारा फिर ये कहना है कि सरकार आपकी है, आप सरकार चला रहे हो, रूलिंग पार्टी के लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पुलिस के हाथ जो है खुले होने चाहिए, और पुलिस को सिर्फ एक ही होना चाहिए जो लॉ बुक कह रही है, जो कानून कह रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, उसके लिए उसको काम करने की छूट होनी चाहिए। आप लखनऊ से आदेश जारी करो, आप हर एसएसपी और हर एसपी को कह दो, हर डीएम को कह दो कि जो आदमी गड़बड़ करेगा, चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, चाहे भाजपा का आदमी हो, चाहे वो आरएलडी का आदमी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, अगर वो गड़बड़ करता है, कानून को हाथ में लेता है, तो उसको एफआईआर रजिस्टर करके उसको बुक करके जेल में भेजना चाहिए। अगर आप दो चार पांच बड़े लोगों पर कार्रवाई करोगे तो नीचे के लोगों में एक संदेश जाता है। आज जैसे राघव लखनपाल की बात है, राघव लखनपाल का अरेस्टेशन होता है तो उससे लोगों
लोगों में संदेश जाएगा कि जब सांसद की गिरफ्तारी हो सकती है, सांसद के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है, तो फिर छोटे कार्यकर्ता की क्या हैसियत है? तो ये संदेश तो आपको देना पड़ेगा, और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम तो चाहते हैं, हमारा सरकार को पूरा कोऑपरेशन है, जो सरकार हमसे मदद लेना चाहती है मदद देने को तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, कानून व्यवस्था लोगों के लिए होनी चाहिए, थाने लोगों के लिए होने चाहिए, पुलिस अधिकारी लोगों के लिए होने चाहिए, और जिस तरीके से लोग शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं उनको उनका जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, और पुलिस का ये काम है कि पुलिस लोगों में सुरक्षा का माहौल पैदा करे। हाँ, अमिताभ ठाकुर साहब के पास मांगो चीज को लेकर कि कितना आसान होता है जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो बड़े चेहरे होते हैं, मतलब जिनका राघव लखनपाल का जो जिक्र कर रहे हैं, सांसद है वो इस वक्त पे, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, क्या हाथ खुले होते हैं प्रशासन की तरफ से पुलिस वालों के, या कुछ बंदिशें रहती हैं? देखिए, दो चीजें हैं, एक कानून की स्थिति है, एक व्यवहारिक स्थिति है। जी, कानून की स्थिति तो बड़ी साफ है, भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में हर चीजें इतनी स्पष्ट लिखी हुई हैं, जैसे कोई सांसद है, कोई विधायक है, यदि उन्होंने विधि विरुद्ध कार्य किया है, आपराधिकृत किया है, तो उनकी गिरफ्तारी होगी, संबंधित माननीय जो विधानसभा होगा, माननीय लोकसभा को सूचना दी जाएगी। कानून मात्र इतना कहता है कि 24 घंटे के अंदर सूचित कर दिया जाएगा। जी, उस रूप में उन्हें कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया हुआ है। आप हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में मात्र माननीय राष्ट्रपति महोदय को और माननीय इम्यूनिटी नहीं है, यह कानून व्यवहारिक पहलू की। जी बिल्कुल, व्यवहारिक पहलू जो होता है वहाँ लोग जब आप चेहरा देखेंगे और कार्रवाई करेंगे तो समस्या आएगी। चेहरों को देख के सामने को कोई कार्रवाई आपकी आवे पता तो लगे कि आप कुछ कर रहे हैं। ये भले आदमी अगर चुप रह पाएंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। जी वापस मैं लौटूंगा सर आपके पास, अपना सवाल आप रखिएगा अमिताभ जी। जी जी, तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि चेहरे को देख के यदि कार्रवाइयां होंगी, तो मैं अभी जैसा हमारे एक साथी कह रहे थे, मैं उस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जिन मामलों में नजीर बनाया जा सकता है, जिन्हें उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है, जिनसे दूसरों को भी एक उदाहरण दिया जा सकता है, नसीहत दी जा सकती है, उन मामलों में विशेष गंभीरता की आवश्यकता है। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो उसके गलत संदेश जाते हैं। सम्यक, ठोस और विधि सम्मत कार्रवाई होती है तो हर व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि कानून के सामने उनके बराबर हैं। अमिताभ जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास, इस वक्त फोन लाइन हमारे साथ बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस वालों के ऊपर आप ही के नेता, आप ही कार्यकर्ता, विधायक दबंगे दिखाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज की जाती है। योगी आदित्यनाथ के जो सीएम साहब है उनका साफ निर्देश ये है कि भाई पुलिस वालों के ऊपर किस तरह का दबाव ना बनाया जाए, तो फिर ये नाफरमानी क्यों उनके निर्देशों की? कानून को अपने हाथ में किसी कीमत पर नहीं लेना, ये मुख्यमंत्री जी का निर्देश है जी, और मुख्यमंत्री जी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं खड़े होंगे जो कानून अपने हाथ में लेगा जी। इसलिए मेरा इस पर मत है कि कानून को अपना काम करना चाहिए जी, और उनको कोई कठिनाई। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, कानून अपना काम कैसे करेगा जब एक आप ही के मेरिट की सर ये घटना है कि जब प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी त्यागी के जो बेटे हैं वो गाड़ी लेकर जा रहे थे, हुटर बजाने पर पुलिस वालों ने रोका तो भीड़ इकट्ठा वहां पर हो गई, खुद अश्विनी त्यागी वहां पर पहुंच गए, वर्दी नोचने की उनकी कोशिश की गई, तो फिर पुलिस कैसे काम कर पाएगी ऐसी स्थितियों में? तस्वीरें खुद एपीए ने दिखाई है सर। मैं उस घटनास्थल पर ना गया था ना लेना देना था जी। एक बात मैं बता दूं, बाद में मीडिया ने जो उसका वो जारी किया है टेप जी, वीडियो, उसमें पुलिस की गलती थी जी। लक्ष्मीकांत जी, हाँ जी। कानून हाथ में उचित पर उसकी शिकायत करनी चाहिए। सब मेरठ की तस्वीरें, सीतापुर की तस्वीरें, बरेली की तस्वीरें तकरीबन 9 तारीख की हैं। उसके बाद चर्चा हम लोगों ने की थी, बीजेपी की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई होगी, पूरी जांच की जाएगी। सर जांच में क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई, ये और मैं जानना चाहूंगा आपसे। ये तो मुझे जानकारी नहीं है जी, क्या कार्रवाई हुई और क्या जांच का निष्कर्ष रहा, लेकिन इतना जरूर मुझे कहना है जी कि कानून अपना काम करे, उसको कोई बाधा नहीं आएगी जी। ठीक है सर। सर हमारे साथ अमिताभ ठाकुर इस वक्त जुड़े हैं। अमिताभ जी, आश्वस्त किया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कि भाई कानून अपना काम करे, लेकिन कानून अपना काम कैसे करे, व्यवहारिक तौर पर जानना चाहूंगा आपसे, जो व्यवहारिक ग्राउंड है। देखिए, मैं लक्ष्मीकांत जी की इस बात से सहमत हूँ कि जो संदेश यह होना चाहिए कि कानून निष्पक्ष काम करे, और अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि
जो कानून कहता है, जो विधि कहता है, वो उसके अनुरूप ही कार्य करें, वह चेहरों को न देखें, वह विधि सम्मत कार्य करें, क्योंकि उसी से सभी लोगों में कानून के प्रति भरोसा होगा, उसी से सही संदेश जाएंगे। जब भी आप चेहरों को देख के, ऊंच नीच देख के काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम होंगे। यह आज भी हुआ है, कल भी और हमेशा रहेगा। यह सर्वमान्य स्थितियां हैं। विधि सम्मत कार्रवाई बिना व्यक्ति को देखे हो, इसकी हमारे देश की जरूरत है, हर हर देश की जरूरत है। ये सब अच्छी सभ्यता, अच्छी संस्कृति की पहली आवश्यकता है और इसमें कोई डेविएशन ना हो, ये पुलिस अफसरों का दायित्व है, वो अपने दायित्व से नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, रत्नमणि लाल जी आपके पास मैं आऊंगा कि हर जगह आदर्शवादिता की बात हो रही है। अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि भाई पुलिस वालों के पास पूरा अधिकार है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं पुलिस को काम करना चाहिए, गणेश भारद्वाज है वो भी कहते हैं कि भाई राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यथार्थ की तस्वीर कुछ और नजर क्यों आती है? जब हर तरफ आदर्श है तो फिर यथार्थ इतना विभत्स नजर क्यों आता है? देखिए, इसका बेसिक कारण सिर्फ ये लगता है मुझे कि जब भी इस तरह का सत्ता परिवर्तन होता है कि एक पार्टी जो कि बड़ी मजबूती से सरकार चला रही थी वो अचानक हटती है और दूसरी पार्टी जो इतने सालों से सत्ता से बाहर थी वो सत्ता में आती है, तो डाउन द लाइन उनके सांसद, विधायक, जिले के नेता और मोहल्ले के नेता, उन सब तक ये संकेत चला जाता है कि अब इतने सालों बाद अब उनका उनका शासन आ गया, उनकी पार्टी पावर में आ गई, अब उनका राज है, अब पुलिस वाले डीएम ऑफिस में डीएम साहब, एसपी साहब, सारे अधिकारी अब हमारी सुनेंगे, क्योंकि इसके पहले वो यही देखते आए हैं कि इसके पहले उस पार्टी के लोग जो चाहते थे वो कराते थे। तो देखिए, सच्चाई ये है कि वो यूपी हो चाहे कोई और स्टेट हो, जो नीचे के स्तर का कार्यकर्ता है वो हमेशा चाहता है कि कम से कम थाने में उसकी उसकी दबंगई चले, क्योंकि ये एक अनफॉर्चुनेट सच्चाई है कि हमारे यहाँ सत्ता का जो सबसे विजिबल चेहरा है वो ये है कि पुलिस थाने में जाके अपना काम करा लेना, अपने लोगों को छुड़ा लेना, पुलिस वाले के ऊपर धमक बनाए रखना, ये सब सत्ता के सिंबल्स हैं और ये सिंबल्स एक्सरसाइज करने में हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता सामने रहते हैं। तो जब तक ये कल्चर बदलने के लिए एक सख्त और ठोस संकेत नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि जिले के अधिकारियों को बुला के ये बात कही जाए, सारे जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज हैं उनको बुला के ये बात कही जाए कि देखो भाई, हमारी सरकार में हम ये सब चीजें टॉलरेट नहीं करेंगे जी। और सारे जिले के जो पुलिस के और सर ऐसी बातें हम लोगों ने देखी है, रत्नमणि लाल जी पिछली सरकार में मुलायम सिंह यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे कि भाई ऐसी चीजें ना किया करो, थोड़ा कम किया करो, लेकिन फर्क कुछ पड़ा नहीं था। यज्ञदत्त शुक्ल जी आपके पास मैं, तो शाहजहांपुर में जहाँ पर की कोतवाल को चूड़ियां पहनाने लोग पहुंच जाते हैं, बीजेपी के नेता पहुंच जाते हैं कि उनको चूड़ियां पहनाई जाएंगी, अब ऐसी परिस्थिति में कोतवाल क्या करे? क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ा ऑफेंस किया जो गिरफ्तार करे या फिर अपनी बेइज्जती सहे? वही मैंने इसके पहले भी कहा था कि अगर इस तरह से एक भीड़ लगा के लोग पहुंच जाएं और ये उपद्रव करने लगे तो कोतवाल क्या कर सकता है? कानून संगत क्या है, न्याय संगत क्या है? वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करेगा, उनके साथ धक्का मुक्की होगी, वो लोग वहां पे घुसने की कोशिश करेंगे और एक अप्रिय स्थिति पैदा होगी। और बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह की अप्रिय स्थिति जब पैदा होती है तो फिर इसमें राजनीति तो होती ही होती है। जैसे कि हमने अभी सुना कि एक पार्टी के नेता कह रहे थे कि अभी भी पुलिस के अधिकारी पिछली पार्टी के मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं, तो यही वो मानसिकता है कि जब किसी भी पार्टी का शासन होता है तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब हमारा राज आ गया। ठीक है, जब शासन, अमिताभ ठाकुर जी आपके पास में आऊंगा कि शाहजहांपुर में जो हुआ, कोतवाल को पहुंचे थे बीजेपी नेता चूड़ियां पहनाने, क्या ये हमारे कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर अब उस कोतवाल के पास क्या रास्ता बचा था? देखिए, पूरी पहली बात उस घटना पर, क्योंकि मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, मैं यह टिप्पणी करूंगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यदि जाके इस प्रकार से उनके किसी कार्य में इंटरवेंशन दिए जाने की कोशिश की गई हो तो निश्चित रूप से आईपीसी की धाराओं में अपराध होगा, और यदि अपराध है तो उसमें कोतवाल को कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं दूसरी यह बात कहूंगा कि मैं किसी आदर्शवादिता की बात नहीं कर रहा, मैं मात्र यह कह रहा हूं कि चूंकि मैं भी एक पुलिस अफसर हूं, मैं इस देश का नागरिक भी हूं, दोनों हैसियत में मुझे यह लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने किसी चीज के लिए दूसरों की तरफ उत्तरापेक्षी होना, मुखापेक्षी होने की जगह अपना कर्तव्य कम से कम हम यह पूरा कर लें, हमने कोशिश सही ढंग से की, तब तो हम दूसरों कहेंगे कि तुम गलत हो या नहीं हो। जब सारे कानून का अधिकार मुझे दे रखा गया है
उस कोतवाल को दे रखा गया है, और वह कोतवाल यदि त्राहिमाम करेगा तो उस कोतवाल के लिए सुरक्षा कहां से मिलेगी? वो ऐसी ही बात होगी कि पुलिस का सिपाही यदि कहेगा कि मुझे गनर चाहिए, हाँ। तो वह कैसे चलेगा? हाँ। मेरा ये कहना है कि ये विरोधाभास नहीं चलनी चाहिए, पुलिस को ही तो सारे अधिकार हैं, तो पुलिस के वो अफसर अपना काम करें, न कि किसी प्रकार का त्राहिमाम करें। मैं इतनी बात कह रहा हूं। यज्ञदत्त शुक्ल जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। दुखद स्थिति है कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली में किसान मूत्र खाने को मजबूर हो रहा है, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के में सुधार की बात कही गई थी, आज तक तो कोई सुधार कहीं पर नजर आ नहीं रहा है। जिस तरह से रेप, जिस तरह से मर्डर, जिस तरह से लूट पहले हो रही थी, आज भी वही स्थिति है। डेढ़ महीना हो चुका है, हमारी पार्टी तो तय किया कि 6 महीना हम देखेंगे इनको, और उसके बाद हम सड़क पर आकर के इनकी कार्रवाइयों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जी ठीक बात है। गहन भारद्वाज जी, पिछली सरकार के दौरान जो एनसीआरबी के आंकड़े आए थे, वो ये थे कि उस सरकार के तकरीबन 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान ही तकरीबन 1300 हमले पुलिस वालों पर हुए थे। अब वैसी तस्वीर कुछ यहाँ भी शुरुआत होती दिख रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। हम सब चाहते हैं कि राज्य में कानून का शासन हो। राजनीतिक मुद्दा क्यों ना बनाया जाए? अगर कोई सरकार यही कहकर आती है सत्ता में कि भाई कानून व्यवस्था हम बेहतर करेंगे, यही कहा जाता है कि पुलिस वालों को काम करने की पूरी आजादी होगी, यही कहा जाता है कि जनता के बीच सुरक्षा का भाव होगा, वही तमाम चीजें नजर नहीं आती। एक डेढ़ महीने के शासन में इस सरकार का राजनीतिक पोस्टमार्टम भी ठीक नहीं है। हमारी सरकार से फिर आग्रह है, हम चाहते हैं कि हम सकारात्मक विपक्ष की तरह सरकार का सहयोग दें। सरकार हमसे जो सहयोग चाहती है, हम सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का राज उत्तर प्रदेश में हो। सरकार को यह मैसेज नीचे तक के अधिकारियों को देना पड़ेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, और अपनी पार्टी के रूलिंग पार्टी, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब रूलिंग पार्टी होती है तो हमेशा इस तरह की घटनाएं रूलिंग पार्टी की तरफ से देखने को मिलती है, तो रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पुलिस अधिकारियों को जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, सबको एक संदेश होना चाहिए कि कानून का राज हो। जो व्यक्ति कानून तोड़े, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उस व्यक्ति पे कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अधिकारियों को ये डर नहीं होना चाहिए, जैसे अमिताभ ठाकुर साहब बैठे हैं, कि अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करी तो उसके एवज में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी एवज में उनको प्रताड़ित किया गया। कम से कम पुलिस वालों को या कोई भी नौकरशाह हो, उसको काम करने की आजादी होनी चाहिए। अगर वो कानून सम्मत और संविधान सम्मत काम कर रहा है तो उसका साथ हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल लीडर को, सरकार को देना चाहिए। ठीक है, अमिताभ ठाकुर साहब, जो यहाँ पर बात हो रही है कि पुलिस वालों को निडर होकर सामने आना चाहिए, लेकिन पुलिस वाला आखिरकार किस हद तक उन तमाम चीजों से टकराता रहे? क्या ये गलत है कि पुलिस वालों को फिर उनके सस्पेंड भी किया जाता है, ट्रांसफर भी किया जाता है, परिवार में उनके ऊपर झूठे इल्जाम भी लगाए जाते हैं, परिवार वालों को परेशान भी किया जाता है? कहां तक फिर झेलेंगे अगर इस व्यवस्था से टकराने की हम कोशिश करेंगे बिना इसको बदले? देखिए, इसके लिए जो आपने जो कहा है, जैसे कि जो लार्जर क्वेश्चन ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स है, मुझे लगता है कि यह उससे जुड़ा मुद्दा है। जी, पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। उसका वन ऑफ द बेसिक इशू यह है कि पुलिस को जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल प्रेशर है, उसे मुक्त करने का एक प्रमुख जरिया है कि पुलिस को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जाए, पूर्णतया इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जाए। हम लोगों को कुछ सालों के लिए जब पुलिस आईपीएस की ट्रेनिंग में ब्रिटेन ले जाया गया था, वहां हम लोगों ने देखा, महसूस किया, उन लोगों का अपना स्ट्रक्चर बन गया है कि उन्होंने उसको लगभग डीलिंग कर दिया है पॉलिटिकल प्रेशर से, पॉलिटिकल सेटअप से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से। जी, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में भी देर सवेर जो लेकिन अगर इंडिपेंडेंट बॉडी संविधान सब बनाई जाती है, एक कंप्लीट प्रोफेशनल सिस्टम की बात है, तो सर ये भी सामाजिक सत्य है कि कई दफा उस पावर का दुरुपयोग भी किया जाता है, जिसको कि अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है फिर आम जनता को। फिर उस चीज को कैसे हैंडल किया जाएगा इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा? तो देखिए, मैं वही बताना चाहूंगा कि एक और उसी में एक कंसेप्ट है पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का। ये हमने ब्रिटेन के पुलिस में देखा था, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी थी, मुझे लगता है देर सवेर ये हिंदुस्तान में भी आएगा। वहां यह कहा गया कि अगर पुलिस के खिलाफ शिकायतें आती हैं, आज क्या होता है कि पुलिस वालों के जो अत्याचार होते हैं उनकी शिकायतों की जांच भी पुलिस अफसर करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम अपनी खुद की जांच नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। उन्होंने स्वतंत्र इकाई बनाई जिसमें राजनीतिक व्यक्तियों को रखा, गणमान्य लोगों को रखा,
पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें हैं उसकी जांच के लिए उन्होंने एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनाया है। मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकाश सिंह साहब वाले केस में कहा है कि पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम जो बनाई जाए इंडिपेंडेंट है। मुझे लगता है कि पुलिस को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाते हुए और एक इंडिपेंडेंट पब्लिक ग्रीवांस रिट्रीशन सिस्टम बनाते हुए इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, रतन लाल जी दोनों चीजों पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। जो पहली बात अमिताभ ठाकुर साहब ने कही है कि इंडिपेंडेंट बॉडी पुलिस को बना दिया जाए, क्या वो सामाजिक दृष्टि से या जो मौजूदा हालात हम लोगों ने देखे हैं, जो रिलेशन में देखा है राजनीतिक लोगों का, पुलिस का और जनता का, उस लिहाज से सही रहेंगी ये चीजें अगर रिफॉर्म की बात हम लोग करें? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि पुलिस रिफॉर्म्स की बात पिछले 40-50 सालों से हो रही है और चूंकि ये किसी एक राज्य विशेष का मसला नहीं है, पुलिस में अगर व्यापक रिफॉर्म्स होने हैं और दशकों पुराने सदियों पुराने कानून से उसको बाहर निकाल के और जो मॉडर्न जो आधुनिक समाज की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से पुलिस को अगर ढालना है तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है और पुलिस को इस बारे में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि वो अब दुश्मनों से नहीं डील कर रही है बल्कि अपने ही देश के नागरिकों से डील कर रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि पुलिस में रिफॉर्म्स एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत आज से बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी जो अभी तक नहीं हुई। मैं अमिताभ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक ब्रॉडर इशू है कि पुलिस का रिफॉर्म होना चाहिए कि उनको पता हो कि उनको लोगों से कैसे डील करना है। जहां तक सवाल है कि पुलिस फोर्स को राजनीतिक प्रेशर से बिल्कुल डीलिंक कर दिया जाए, ये भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसके लिए जो आपने एग्जाम्पल बताया कि कई देशों में इस तरह का एक सिस्टम बन चुका है तो उस सिस्टम में जो पुलिस को चलाने का सिस्टम है उसका भी उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ की पुलिस फोर्स जितनी ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड है, चाहे वो एक नियुक्ति ही क्यों ना हो, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर से लेके एसपी से लेके डीजीपी तक की जो नियुक्तियां हैं वो पॉलिटिकल आधार पे की जाती हैं, उनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल आधार पे किए जाते हैं। हमने देखा कि कितनी बार उनके अपॉइंटमेंट हुए और वो खारिज होते हैं, उसके बाद वो लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जिसकी शुरुआत ही अभी तक नहीं हुई है कि पुलिस को पॉलिटिकल सिस्टम से अलग कैसे रखा जाए, वो एक ऑटोनोमस तरीके से बिहेव करे। ये अभी तो बहुत ही कठिन काम है, रिफॉर्म की बात है, अभी शुरुआत भी नहीं हुई। शुक्र साहब, आपके पास मैं आता हूं कि जो बीच में बात आई थी कि भाई आला कमान से निचले दर्जे के जो कार्यकर्ता है वहां तक एक संदेश देना जाना चाहिए कि भाई आप अदब से पेश आए, चाहे वो जनता हो चाहे पुलिस वाले हो। ये संदेश कैसे फिर फॉलो कराया जाता है, क्योंकि पिछले सरकार में तो हम लोगों ने देखा था कि मुलायम सिंह यादव लगातार कार्यकर्ताओं की सभा करते रहते थे, उन्हें बुलाते रहते थे, असर कुछ नहीं होता था। इस सरकार में भी योगी साहब की तरफ से निर्देश दिया गया कि भाई अदब से पेश आया जाए, लेकिन चीजें कुछ और सामने आ रही हैं। रिस्ट्रेंड सेल्फ कंट्रोल को सामने लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, उसका एग्जाम्पल प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ सुधार हो सकता है, वरना सुधार नहीं हो सकता। इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी दिया है पब्लिक ने भाजपा को, सर ये बहुत आदर्शवादी बात है कि सेल्फ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, खुद पर काबू लगाना होगा, उल्टा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो भाजपा जो सपा के जमाने में हो रहा था, वही सारा सब कुछ आज रिपीट हो रहा है। जी सर, ये बहुत आदर्शवादी आपने बात की, खुद पर उसको संभालने के लिए तो कौन आगे आएगा, व्यवहारिक रूप से संभव होता है? और हम लोग जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, हम लोग हमेशा 24 घंटा तैयार है। यदि आप समाज को सुधार लाना चाहते हैं, जो भी सुधार लाना चाहते हैं, आके बैठ के बात करिए, हम लोग आपका साथ देंगे। लेकिन आपके पास आपको उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आपका बिहेवियर जो पिछली सरकार थी उससे अलग है, उससे इतर है, आज तक विश्वास किया जाएगा। जायज बात है आपकी। गणेश जी आपके पास मैं आता हूँ चीजों को लेकर कि जब यज्ञदत्त शुक्ल साहब कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि खुद ही के ऊपर लोग रोक लगाना सीखे, सेल्फ रिस्ट्रेन करना लोग सीखे, क्या व्यवहारिक तौर पर चीज संभव है ऐसी घटनाओं को देखते हुए, क्या माने कि ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए ये जो कह रहे शुक्ल साहब उनकी बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पे भी डिपेंड करता है। मैंने जब योगी साहब आए थे तो डीजीपी साहब का भी मैंने एक वो स्टेटमेंट मैंने सुनी, डीजीपी साहब बोले कि हम काम पहले भी कर सकते थे लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, अब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति आई इसलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये डीजीपी साहब की स्टेटमेंट थी। तो पुलिस वालों को भी पता है, कम से कम पुलिस को उस मानसिकता से भी बाहर आना पड़ेगा। सारा सिस्टम पे, राजनीतिक सिस्टम पे दोष डालने का वो नहीं है कि आप पूरे पॉलिटिकल
सिस्टम को आप कटघरे में खड़ा कर दो, कहीं ना कहीं पुलिस को भी अपनी मानसिकता में चेंज लाना पड़ेगा। पुलिस को यह तय करना पड़ेगा कि पुलिस सीआरपीसी और आईपीसी के लिए बाउंड है, पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बाउंड है, पुलिस लॉ के लिए बाउंड है, पुलिस किसी पॉलिटिकल आदमी के या पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टी के लिए बाउंड नहीं है। पुलिस को भी अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, राजनीतिक लोगों को भी अपनी मानसिकता चेंज करने की, पुलिस का काम ऐसा होना चाहिए कि पुलिस का काम न्याय दिलाने का है, कि जस्टिस लोगों को मिले, गरीब आदमी को मिले, निचले तबके को मिले, महिलाओं को मिले। ये सुरक्षा की भावना समाज में जागृत करने का काम सिर्फ राजनेताओं का नहीं है, ये पुलिस अधिकारियों का भी काम है, कि पुलिस अधिकारियों को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, और जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी पुलिस को ताकत देनी पड़ेगी, पुलिस को कहना पड़ेगा कि जो कानून सम्मत काम हो, जो संविधान सम्मत काम हो, वो काम होना चाहिए। इसमें दोनों तबकों को बैठ के आपस में तय करना पड़ेगा कि जिम्मेदारी किसकी है। अगर पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था के, लॉ एंड ऑर्डर की, तो पुलिस को काम करना चाहिए। राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है कि पुलिस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, नए अत्याधुनिक हथियार मिलने चाहिए, नई बिल्डिंग्स मिलनी चाहिए, एक एटमोस्फेयर मिलना चाहिए, ताकि पुलिस वाले के एटमोस्फेयर में बहुत कुछ चाहिए। अब क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या हो सकता है, ये सोचना बेहतर रहेगा। रत्नमणि लाल जी, ये भी ट्रेंड हम लोगों ने देखा कि जैसे सरकार बदलती है, अधिकारियों की कार्यशैली बदल जाती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का। तो ये भी बात माननीय लोगों की होगी कि सरकार का जो रवैया रहता है उसी के तहत उनका अधिकारियों का काम करने का तरीका भी हो जाता है। तो ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है, अधिकारियों की ठीक काम करने की या फिर सरकार की, सही काम कराए? देखिए, एक बात हमें, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति आज राजनीति में है और सत्ता में है या राजनीतिक दल में किसी पद पे है जी, उसकी शुरुआत एकदम नीचे के कार्यकर्ता से या किसी जिला स्तर से या किसी स्तर पे हुई थी, और कई सालों तक राजनीति में रहने के बाद ही कोई व्यक्ति विधायक बनता है, सांसद बनता है या मंत्री बनता है, ठीक है। उसके विपरीत जो व्यक्ति किसी सर्विस में सेलेक्ट होते हैं वो एक साल, दो साल, तीन साल की तैयारी के बाद ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद उनकी जिले में तैनाती होती है, उसके बाद वो राजनीतिक लोगों के संपर्क में आते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हाँ, जब उन्होंने आईपीएस या आईएएस का इम्तिहान क्लियर किया था उस समय जो सोच के वो आए थे, वास्तव में सर्विस करने के बाद सच्चाई कुछ और होती है। और राजनीतिक लोगों के बीच में रह के काम करना और कुछ सही काम करके दिखाना ये बहुत आसान नहीं होता, जैसा कि सर्विस की शुरुआत में लोग समझते हैं जी। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों के बीच का जो उद्देश्य है वो भले ही एक हो कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं जी, और दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है जी। राजनीतिक व्यक्तियों को दिशा निर्देश देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अधिकारियों को, पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुरूप चलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उनका नुकसान हो सकता है, ये तो सच्चाई है जी, ये बिल्कुल सच बात है। राजनीतिक पार्टी के ऊपर यह दायित्व तो बनता है कि वो अपने अपने लोगों को एक सही संदेश दें। ठीक है, अमिताभ ठाकुर जी, आपके पास मैं आऊंगा, बहुत संक्षेप में और व्यवहारिक ग्राउंड पे मैं आपसे जानना चाहूंगा चीजों के बारे में, कि ज्यादा अहम क्या होता है, अधिकारी की अपनी इच्छा शक्ति या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो कि अधिकारियों को फिर मजबूरी कर दे कि आपको सही काम करना है? मैं यही मानता हूं कि अधिकारियों की जो इच्छा शक्ति है और जो कानून की स्थितियां हैं उनका पालन हो तो वह बेहतर है। जो चीज हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, जो हमारे बाहर है, उस पर चर्चा करने से बेहतर उन अफसरों के लिए है कि जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका पालन करें। मेरे ख्याल से वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, एक प्रकाश यज्ञ शुक्ल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, तो एक निचले लेवल से लेकर ऊपर तक के लेवल पे सही तरीके से चीजें हों, चीजों का दुरुपयोग ना किया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं एक छोटा सा उदाहरण पुलिस की कार्रवाई का बताता हूँ। अभी महानगर में मल्हार अपार्टमेंट में पुलिस वाले घुस के जाके मार जाए लोगों को, दो भाइयों को पीट के चले आए, और उसके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को भी तो अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा कुछ। ठीक है, यानी दोनों ही तरफ से चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और सर एडिशन में फिलहाल सिर्फ इतना ही, एक ब्रेक ले रुकेंगे, उसके बाद एपीएम पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।